तो ये आता है सुन 60, यहां पे 35 टर्म नहीं है सुन 50, मैंने एग्जांपल एक्चुअली गलत लिखा है, यहां पे एग्जांपल में बोला है आपको कि 55 टर्म, ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स 35 नहीं है 55, इससे डिवीजन नहीं हो रहा था, यहां पे कैसे है सुन 55 है 55 टर्म। तो यहां पे n की वैल्यू ये है, क्या है कि सुन 55 है 35 नहीं है, n की वैल्यू आएगी 55, यहां पे भी 55, तो 55 से अगर मैं डिवीजन करता हूं तो ये आता है सुन 60, 60 इक्वल टू a प्लस 70 d, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अभी देखो नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अभी 28 टर्म यानी T28 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूला Tm का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, Tm इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d T28। यहां पे क्या आएगा T28, a प्लस n माइनस 1 यानी 28 माइनस 1 इनटू d, तो ये कितना आएगा a प्लस, अभी यहां पे देखो स्टूडेंट यहां पे कैलकुलेशन में 17 d नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या बोला था 55 d, मैंने 35 से कैलकुलेट किया था, 55 माइनस 1 यहां पे कितना आएगा 54 आएगा, और 54 के टेबल में ये आ जाएगा 27 d, मैं यहां पे कितना मिलेगा 27 d मिलेगा, यहां पे भी सेम 27 d और यहां पे भी 27 d, तो a 28 माइनस 1 27 d T28, लेकिन स्टूडेंट बट a प्लस 27 d, बट a प्लस 27 d, 27 d की वैल्यू क्या है 60 है, बाय 2 सेकंड इक्वेशन, देयरफॉर T28 इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर 60 है स्टूडेंट्स तो मैं इसके जगह 60 लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए 28 की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन, देयरफॉर 28 टर्म इज 60। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप नोट डाउन कर रख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद हम 7 का लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑलरेडी 7 एग्जांपल में हमको हिंट दी है, अज्यूम दैट द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a माइनस d a प्लस d, देखो एग्जांपल इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, मुझे सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी है ये पता नहीं है, लेकिन यहां पे हिंट दिया है कि थ्री कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी लेनी है a माइनस d a प्लस d, फाइंड द टर्म्स, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले लेट, यही मुझे जो हिंदी है वही लिख रहा हूं मैं, लेट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर कौन सी है, a माइनस d a एंड a प्लस d रिस्पेक्टिवली, ठीक है, नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म ये है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय फर्स्ट कंडीशन a माइनस d प्लस a प्लस a प्लस d सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27, I can write here 27. इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, माइनस d प्लस d कैंसिल, a प्लस a प्लस a कितना होगा 3a इक्वल टू 27,
therefore a equal to 27 upon 3 9 a की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट 9 मिली अभी क्या बोला है their product is 504 now by second condition क्या है second condition सब their product यानी जो थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना चाहिए 504 तो बाय सेकंड कंडीशन क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट उसका फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव टर्म a माइनस d सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म a थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म a प्लस d उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना निकल पता है 504 इसको आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स a की वैल्यू पुट कर ले रहे हैं ठीक है यहां पे मैं इसको अगर इक्वेशन में बन दे रहा हूं तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट ए की वैल्यू 9 माइनस डी ए मैं बाद में लिख रहा हूं या लिखो अभी 9 और यहां पे 9 प्लस डी इक्वल टू 504 ए की वैल्यू कहां से लिखी मैंने इक्वेशन 1 से लिखी इसलिए मैंने यहां पे लिख रहा हूं बाय इक्वेशन 1 तो देखो इंप्लाइज मैं फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट पास में लिख रहा हूं 9 माइनस डी 9 प्लस डी और जो 9 है स्टूडेंट वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो 504 अपॉन 9 a माइनस डी अपॉन a माइनस डी फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में a प्लस डी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 और ये b स्क्वायर इक्वल टू 9 के बराबर 9 5 = 45 9 6 54 तो माइनस डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 81 माइनस 56 81 माइनस 56 25 इक्वल टू डी स्क्वायर तो देयरफॉर डी की वैल्यू क्या है मुझे डी स्क्वायर नहीं चाहिए डी चाहिए तो डी यानी क्या है स्टूडेंट्स डी की वैल्यू प्लस माइनस 5 यहाँ पे a की वैल्यू d की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई और a की वैल्यू 9 आ गई तो देयरफॉर a माइनस d इक्वल टू कितना आएगा फर्स्ट टर्म मेरी कौन सी थी सम ऑफ थ्री टर्म्स बोला है ना तो फर्स्ट टर्म a माइनस d है तो a की वैल्यू 9 माइनस d की वैल्यू पहले मैं प्लस 5 ले रहा हूं प्लस 5 तो 9 माइनस 5 4 a 9 और थर्ड टर्म यहाँ पे ऐसे देयरफॉर फर्स्ट टर्म इंप्लाइज सेकंड टर्म इंप्लाइज और थर्ड टर्म इंप्लाइज थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट ए प्लस डी वैल्यू ऑफ ए 9 वैल्यू ऑफ डी प्लस 5 तो कितना हमारा ये 9 प्लस 5 14 और क्यों ले रहा हूं क्योंकि डी की वैल्यू 2 आ गई और फर्स्ट टर्म इंप्लाइज ए माइनस डी ए की वैल्यू 9 माइनस अभी डी की वैल्यू है यहाँ पे प्लस 5 ले ली थी यहाँ पे भी माइनस 5 ले ली थी तो 9 प्लस 5 14 ए मिडिल टर्म है ये 9 ही आएंगी कौन सी टर्म है ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इंप्लाइज ए प्लस डी a की वैल्यू 9 प्लस d की वैल्यू माइनस 5 9 माइनस 5 4 तो ये आगे वैल्यू लास्ट में आंसर में सर कैसे लिखना है देयरफॉर फाइनल टर्म बोला है ना देयरफॉर थ्री कंसेक्यूटिव देयरफॉर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर फर्स्ट कौन सी थी 4 9 14 और 14 9 4 फाइनल आंसर वन क्वेश्चन है तो ये लिखना आपको जरूरी है देयरफॉर द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 9 14 और 49 4 ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर मार्क करके रख लो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं
फाइंड द फोर कॉन्जुगेट टर्म्स, इसके पहले हमने क्या देखा था, फाइंड द थ्री कॉन्जुगेट टर्म्स, अभी फोर कॉन्जुगेट टर्म्स फाइंड करना है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच सम इज, जो फोर कॉन्जुगेट टर्म है सम उसका सम कितना है 12 है, ये फर्स्ट कंडीशन। ओके, उसके बाद सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, जो फोर मेरी कॉन्जुगेट टर्म है उसमें से थर्ड एंड फोर्थ का जो एडिशन है स्टूडेंट वो 14 आता है, तो फाइंड क्या करना है, वो कॉन्जुगेट टर्म कौन सी है वो फाइंड करना है, यानी आपको ए और डी की वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमको बताया था वैसी थ्री कॉन्जुगेट फोर कॉन्जुगेट टर्म हमको यहाँ पे दिए, वही हम लिख लेते हैं, लेट लेट फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। हो गया, फोर कॉन्जुगेट टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। ओके, अभी नाउ बाय गिवन कंडीशन या बाय फर्स्ट कंडीशन, कौन सी मेरी फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, सम ऑफ व्हिच सम इज 12, फोर कॉन्जुगेट टर्म 12 उसका जो सम है स्टूडेंट, ये फर्स्ट कॉन्जुगेट टर्म प्लस सेकंड कॉन्जुगेट टर्म प्लस थर्ड कॉन्जुगेट टर्म और ये फोर्थ कॉन्जुगेट टर्म, बताने के लिए मैंने ब्रैकेट लिखा है, अदरवाइज ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, उस सम इज कितना है 12, कैलकुलेट कर लो, माइनस डी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना है हो गया 4a, माइनस डी प्लस डी आंसर यहां पे क्या बचा 2d बचा इक्वल टू 12, 2 के टेबल में आते हैं जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस डी इक्वल टू 26 का 12 होता है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये होगी मेरी फर्स्ट कंडीशन। एंड बाय सेकंड कंडीशन, क्या है स्टूडेंट सेकंड कंडीशन, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 40, सम ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, सम बोला है ए प्लस डी प्लस फोर्थ टर्म, ये है फोर्थ टर्म ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना दिया है सम 14, इसको सॉल्व कर लो, ए प्लस ए 2a प्लस डी प्लस 2d 3d इक्वल टू 14, ये हो गया इक्वेशन 2, एडिशन करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सेम साइन है सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 पहले लिखना पड़ेगा 2a plus d equal to 6 minus 2a plus 3d equal to 14 minus 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 2a to a cancel d minus 3d minus 2d equal to 6 minus 14 minus 8, therefore यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, therefore माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d इक्वल टू 8, यानी d इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 4 मिल गया, अभी मैं d इक्वल टू 4 किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं, चलो इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहा हूं, d इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2a प्लस d की वैल्यू 4 इक्वल टू 6 इंप्लाइज 2a इक्वल टू 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2, therefore a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे मिलती मुझे d की वैल्यू 4, मुझे फाइंड क्या करना है वो कॉन्जुगेट टर्म फाइंड करना है, therefore फर्स्ट टर्म कौन सी है a माइनस d इक्वल टू a की वैल्यू 1 माइनस d की वैल्यू 4 तो माइनस 3, सेकंड टर्म सेकंड टर्म इंप्लाइज क्या है सेकंड टर्म ए है ए की वैल्यू 1, थर्ड टर्म इंप्लाइज ए प्लस डी
a प्लस डी, ए की वैल्यू 1 प्लस डी की वैल्यू 4, 4 प्लस 1 5 एंड फोर्थ टर्म, एंड फोर्थ टर्म इंप्लाइज a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना आएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू में 1 प्लस 2 इनटू d की वैल्यू, d की वैल्यू 4, तो 1 प्लस 8 इक्वल टू 9. लास्ट में आंसर क्या आएगा, देयरफॉर फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, देयरफॉर फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स आर माइनस 3 1 5 9. देयर आर फोर कंसेक्यूटिव, देयरफॉर फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स आर माइनस 3 1 5 9. आंसर देख लीजिए स्टूडेंट्स, माइनस 3 1 5 एंड 9. ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. देखो स्टूडेंट उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ द, मैंने बहुत बार वही बता चुका हूं मैं कि शो दैट के क्वेश्चन में इफ करके रहता है वो गिवन रहता है, ठीक है. तो पहले गिवन क्या है वो मैं लिख रहा हूं. If the 9th term and of an arithmetic progression, then show that 29th term is twice the 19th term. तो given क्या दिया है मुझे? 9th term of an arithmetic progression is 0. इसको अगर मैं symbolically form में लिखता हूँ, तो ऐसे लिखूँगा T9 equal to 0. ये मुझे given दिया है. इसमें find क्या करना है या show क्या करना है? शो क्या करना है या फाइंड क्या करना है? 29th term इज ट्वाइस द 19th term, इज ट्वाइस द 19th term, दैट इज T29 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T19. ये मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट्स. तो फॉर्मूला लिखा मैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, टीएन का, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू टी. तो टीएन, तो मैं टी नाइन में नाइन टर्म दिए, तो टी नाइन इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ए प्लस एन की जगह नाइन माइनस वन इनटू टी. तो टी नाइन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, therefore the value of T9 equal to 0. इसको अगर मैं equation 1 दे रहा हूँ students, तो यहाँ पे 0 आएगा, a plus 9 minus 1 यानी 8t by equation 1 से मैंने T9 की value 0 लिखी है, तो therefore 8t का a की value क्या आएगी, therefore the value of a equal to minus 8t. a की value क्या आएगी students, minus 8t. अभी क्या बोला है 29th term और 19th term, तो पहले 19 टर्म फाइंड कर दें. नाउ 19 टर्म, तो T19 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस, इसी फॉर्मूले में मैं T19 यूज कर रहा हूं, तो n के जगह क्या आएगा 19 माइनस 1 इंटू टी. तो a प्लस, अभी a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है माइनस 8t है, इसको भी मैं इक्वेशन दे रहा हूं 2, a की वैल्यू माइनस 8t, a की वैल्यू क्या है माइनस 8t है, प्लस 19 माइनस 1 18t, 19 माइनस 1 18t. इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, माइनस 8t माइनस प्लस 18t कितना होता है 10t. तो देयरफॉर T19 इक्वल टू कितना आ गया, 10 भी आ गया. नाउ अभी क्या है 29th टर्म, T29 इक्वल टू a प्लस, अगर मैं यहां पे n की जगह 29 यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या आएगा 29 माइनस 1 इनटू t. तो a प्लस 29 माइनस 1 28t. लेकिन ये जो a की वैल्यू मैंने यूज की थी किसी कारण से, उसकी थी बाय इक्वेशन 2 से, वैसे ही यहां पे a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू क्या है कैश फंड्स, a की वैल्यू है -8t,
एक ही वैल्यू है -8d और ये 29 -1 28d, तो -8d + 28d कितना होता है 20d। ये वैल्यू कहां से लिखी मैंने, बाय इक्वेशन 2। तो t29 इक्वल टू कितना है 20d, तो मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं उसमें 2 × 10d, ये हो गया इक्वेशन मेरा 3। बट 10d किसकी वैल्यू है, इस वन 10d किसकी वैल्यू है, बट t19 इक्वल टू 10d होता है, बट t19 इक्वल टू 10d, इस 10d के बजाय मैं t19 लिख सकता हूं। देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज t29 इक्वल टू 2 इनटू t29 इक्वल टू 10d है। यहां पे इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 दे दो, बट t9 बाय इक्वेशन 3 t19 इक्वल टू 10d है, तो इस 10d के इस 10d के बजाय मैं t19 लिख सकता हूं t9, और यही मुझे प्रूव करना था स्टूडेंट, t29 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ t19। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है 3.3 ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.4। तो ऑलमोस्ट ये 6 सेट के सभी क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी जाती है तो आप पूछ सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सेट में है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखो।